हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हम लोग ग्रूमिंग का एक दूसरा चीज सीखने वाले हैं। पिछले एपिसोड में जैसे कि आप लोगों ने देखा था, बच्चों के नाखून किस तरह से काटते हैं उसके ऊपर वीडियो था। इन सब के लिए आप आई बटन में क्लिक करिए और मेरे जो वीडियोज हैं वो जाके देख सकते हैं। और जो मेरे चैनल के नए व्यूअर्स हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास कोई बेबी है और बेबी ग्रूमिंग का, बेबी केयर का या मदरहुड पेरेंटिंग रिलेटेड टॉपिक्स को लेके आप इंटरेस्ट रखते हैं और अच्छी तरह से सब चीज करना चाहते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है। तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए। उससे क्या होगा, मेरे चैनल के सारे अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। और अगर मेरे चैनल के कॉन्टेंट आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज हम डिस्कस करने वाले बच्चों का जो कान है वो कैसे साफ करना है, क्योंकि बच्चों का जो कान होता है बहुत छोटा सा होल होता है और उसका जो पर्दा बोलते हैं और समा कान का जो लीड होता है वो एकदम क्लोज होता है। तो इसी वजह से बच्चों का कान बहुत केयरफुली साफ करने की जरूरत है। और क्योंकि बच्चों के कान साफ करते वक्त अगर वो हिल गए तो बहुत दिक्कत हो सकता है, इसी वजह से थोड़ा सा केयरफुली साफ करने की जरूरत है। और अब जब नहा रहे होते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों के कान में थोड़ा बहुत पानी घुस जाता है जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा झंझनाहट भी लगता है। इसी वजह से कोशिश करिए जितना हो सकता है बच्चों के कान को ड्राई एंड क्लीन रखने के लिए। तो उसके लिए हम क्या क्या चीज कर सकते हैं, सबसे पहले तो बच्चों का जब भी कान साफ करने का बारी आता है तो सबसे पहला चीज है जब आप नहा के बच्चे को ला रहे हैं तो उनका कान वो कपड़े से, मतलब जो क्विट वाइप्स होता है वो भी आप यूज कर सकते हैं या फिर जो सॉफ्ट मसलिन का कपड़े होते हैं उसको भी थोड़ा सा वेट करके आप यूज कर सकते हैं। उससे बच्चों का जो कान का चारों तरफ का हिस्सा होता है, पीछे का हिस्सा होता है, उसको अच्छी तरह से आप वाइप अप कर लीजिए। उससे क्या होता है कि बच्चों का जो अगर मैला वैला जमा होगा या फिर वेट रहा होगा तो वो सूख जाता है। उसके अलावा अगर बच्चों के कान के अंदर अगर पानी घुस गया हो या थोड़ा बहुत वेट लग रहा हो या फिर कोई डर्ट वगैरह जम गया हो तो उसको आप किस तरह से क्लियर करें। नॉर्मली बच्चों के लिए अलग से ईयरबड्स आते हैं जो कि एक्सट्रीम सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए, ये मैं यूज करती हूँ गूगल पे, ये बहुत ही सॉफ्ट है। इसको और इसको ना बड़े आराम से आप बच्चों के कान पे यूज कर सकते हैं। इसके ये जो ऊपर टिप है ये थोड़े से बड़े होते हैं तो इसको आप ले सकते हैं। इसको आप आराम से धीरे से करके बच्चों का जब सोने के टाइम पे, ऑब्वियसली बच्चा जब सो रहा होगा तभी आप आराम से साफ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा जाग रहा होगा तो कभी भी वो कान को आराम से आपको दिखाएगा नहीं साफ करने के लिए। तो इसी वजह से आप हमेशा ही कोशिश करिए बच्चे के सोने के टाइम पे उसका जितना ग्रूमिंग का चीज रहता है, फॉर एग्जाम्पल नेल कटिंग हुआ या फिर सर में अगर आप अच्छी तरह से कॉम करना है, कर्ली कैप का अगर रिमूविंग का सोच रहे हैं या फिर आप नेल कटिंग का सोच रहे हैं, कान साफ, व्हाटएवर, तो ये सारा ग्रूमिंग का जो चीजें होते हैं इन सबको आप आराम से सोने के टाइम पे करिए। बच्चा अच्छा आपको दिखाएगा और आप आराम से कर सकते हैं, बहुत केयरफुली ये चीजें करना होता है। तो इसी वजह से बच्चा अगर दिखाएगा मतलब जब वो खेल रहा होता है या फिर जब वो नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा होता है तब आप करने का कोशिश करेंगे तो कभी भी वो नहीं दिखाएगा। बच्चे हमेशा चंचल होते हैं, उनको कुछ ना कुछ करना ही होता है, तो शांति से बैठ के दिखाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो इसी वजह से आप कोशिश करिए जितना हो सकता है बच्चे को सोने के टाइम पे, मतलब सुलाने के बाद आप ये चीज कर सकते हैं। तो बच्चे का कान साफ करने के बाद आप जितना हो सकता है बच्चे का कान का जो पीछे वाला हिस्सा रहता है, नॉर्मली कान का जो पीछे वाला हिस्सा रहता है ये बहुत ड्राई होता है, तो उस टाइम पे आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, बेबी लोशन वगैरह। आज के लिए बस इतना ही। हेयर इज लकी साइनिंग ऑफ।